ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है। टीपू सुल्तान की जो स्वर्ड है वो भी है, एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं और एकदम रियल गोल्ड है और क्राउन लेके आए हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और आज है संडे वाला दिन। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 10:30 बज रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो सामान है वो खो जाता है और वो चोरी हो जाता है, फिर उसके बाद मिलता नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ वो सारा सामान मिलता है। आज हम जाने वाले हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम और वहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ का बहुत सारा सामान है। एंड आई एम होपफुल कि जो आज का व्लॉग आप मेरे साथ देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। वी आर राइट आउटसाइड द ब्रिटिश म्यूजियम और मतलब देखने में काफ़ी सही लग रहा है और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के वैल्यूबल्स हैं, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ का जो भी मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट सामान है वो काफ़ी सारा अंदर है। और अगर आप यहाँ पे आओगे जो इसका एंट्री है वो एकदम मुफ्त है तो आप भी आ सकते हो। एज ऑफ नाउ लेट्स गो इन एंड एक्सप्लोर। तो अभी हम लोग बस एंटर करने वाले हैं और इसका जो एंट्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है, ऐसा जेन्युइनली लग रहा है कि हम किसी महल के अंदर जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस। And by the way, content की कमी ना तो हमारे साथ प्रशांत भी है। हाँ, hello। और प्रशांत has been there already, right? हाँ, मैं एक बार जा चुका हूँ। ठीक। मैं इसलिए फटाफट guide करूँगा इस guide tour हमारे साथ चल रहे हैं खुद। चलो। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। इसका entrance काफी ज़्यादा grand है और ऐसा लग रहा है Roman style में बना रखा है और मतलब लग रहा है कि इसके अंदर बहुत माल है, बहुत माल है इनके पास। चलो लेट्स गो। एक प्रो टिप, अगर आप कभी भी आओ म्यूजियम्स तो ये मैप लेना मत भूलना। तो ये जो म्यूजियम है वो 2-3 फ्लोर का है और हम जहाँ जाने वाले हैं वो एशिया है, एशिया के अंदर इंडिया अमरावती हम लोग ये देखने जाएंगे। यहाँ पे मतलब यूरोप, अफ्रीका, एंशिएंट इजिप्ट, US, मिडल ईस्ट, बहुत सारा सामान है बहुत सारी जगहों का, बट हम लोग अभी इंडिया में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट्स गो। सो वी आर एट द एशियन सेक्शन राइट नाउ और मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के आर्टिफैक्ट्स हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। ऑलमोस्ट ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत साल, मतलब प्रशांत वाज टेलिंग मी हाउ मच इयर्स प्रशांत, ओल्डेस्ट वन 15 लाख साल पुराने, 15 लाख ईयर्स। सो लाइक जो एक्सकेवेट करके निकाले उन्होंने और रिसेंट वाले भी थोड़े हैं। उधर पीछे नटराज की मूर्ति है, उधर आई गेस टू बिगिन विद गणेश जी की मूर्ति है। हाँ। तो वहाँ से शुरू करते हैं। गणपति पप्पा मोरिया, मेरे पीछे जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है ये ब्रिटिश म्यूजियम में है और ये ऑलमोस्ट 700 से 800 साल पुरानी मूर्ति है और उड़ीसा से लाई गई है और किसी ब्रिटिशर ने इनको गिफ्ट कर दी। मतलब हमारा सामान ये कैसे गिफ्ट कर सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। एक चीज़ बहुत ज़्यादा है वो है जो हिंदू गॉड और गॉडेस हैं उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जो मेरे पीछे हैं ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है और ये ईस्ट इंडिया से इन्होंने यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी मूर्ति नहीं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ, मतलब यहाँ पे गॉडेस काली की मूर्ति है, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, तो और वो सारी बहुत पुरानी है और जो उनका वर्थ है ऑफकोर्स आप उसे लगा नहीं सकते, बट अगर आप उसको मार्केट वैल्यूज़ की देखोगे तो ऑलमोस्ट वो यू नो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और पीछे भी आपको दिख रहा हुआ है सारे क्रिएशन एंड डिवोशन स्पेशल सेक्शन रखा हुआ है इन्होंने भगवान जी का। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे भगवान जी हैं और बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे कोई सेक्शन नहीं है छोटा इंडिया का, बहुत बड़ा सेक्शन है इंडिया का और इंडिया से बहुत सारा सामान है। देर आर प्लेसेज जहाँ से ज़्यादा सामान है, जैसे मथुरा से बहुत ज़्यादा सामान है, कर्नाटका से बहुत ज़्यादा सामान है और हिमाचल से भी बहुत ज़्यादा सामान है। टीपू सुल्तान की जो स्वर्ड है वो भी है। टीपू सुल्तान ने ऑलमोस्ट 4 वॉर लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर और उसके बाद वो हार गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे उनकी स्वर्ड रखी हुई है और साथ में जब वो मर रहे थे तो उनके हाथ में एक रिंग थी
वो रिंग किसी ने ले ली थी, ब्रिटिश ऑफिसर ने, और वो रिंग भी है, तो मतलब उनकी स्वॉर्ड और उनकी रिंग दोनों है। मुझे सबसे अजीब लगता है कि यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब यू नो अबाउट दिस वर्ड, चलो मतलब वो तो ख़राब है ही, बट अबाउट दिस रिंग स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रिंग थी ये उनकी रिंग थी, और जब वो मर गए थे तो किसी ने ले ली थी, और अब उन्होंने इन लोगों ने मतलब यहाँ रख दिया। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, मतलब इट्स लाइक ऑल आउट एंड ओपन, कोई ऐसे प्रॉपर्ली बता रखा है कि हाँ ये वाला सामान हमने यहाँ से लिया, ये बंदे ने यहाँ से उठाया और फिर हमें कनेक्ट कर दिया गया, तो हम यहाँ से कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कनेक्ट इन्हीं के लोग करते हैं ना बाद में, पहले खुद चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में कनेक्ट कर देते हैं। अरे मेरे को एक और चीज़ टीपू सुल्तान से याद है, मेरे को 15-20 साल पहले याद है विजय माल्या कोई टीपू सुल्तान की तलवार खरीद रहा था, आई एम नॉट श्योर इट वॉज दिस वन और कौन सी, अब तो विजय माल्या खुद ही लंगन आ गया है। बट मतलब इट इज मजेस्टिक, दिस इज लाइक सच अ हिस्टोरिक पीस, एंड लाइक मुझे इसके बारे में जेन्युइनली बुरा लग रहा है, मतलब ये टीपू सुल्तान की रिंग है और ये अब यहाँ पे लंदन में इस म्यूजियम के अंदर है। पीछे वो शिव पार्वती क्या स्कल्पचर है, और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना है, तो मतलब बहुत सारा सामान है अलग अलग जगहों का। पीछे वो जैनिज्म का काफ़ी सामान है, सब उनके छोटे छोटे स्कल्पचर्स और बड़े बड़े स्कल्पचर्स हैं, ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। ये क्या है भूषण, स्टोन पैनल ऑफ एलिफेंट राइडर्स, स्टोन फ्रॉम ब्रॉन्ज टू स्टोन टू गोल्ड टू कॉपर, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये जो सामने पूरा है ये तमिलनाडु का यहाँ पे सारा सामान है, और ये जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे वो है ये लॉर्ड शिवा का है, और इस पे मतलब पूरा लिखा हुआ है कि शिवा मतलब उन्होंने पॉइजन पिया था और जो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है वो, और ये ब्रॉन्ज का है, और उधर ऑफकोर्स नटराज भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब अलग लेवल है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइम पे इंडिया के रूलर्स थे उनका भी सामान है, जैसे ये जो पीछे है सारा मुगल एम्परर्स का है, तो यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स हैं, और वो जो ये है ये डाइवर है, तो मतलब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, और ये ऊपर उनके खाने पीने का सामान है ऊपर, उसमें भी काफ़ी सारा गोल्ड इनक्राउड है, और ये जो है ये हुक्का है, और हुक्का दो है, इसमें भी काफ़ी सारा गोल्ड है। तो ये जो नीचे आपको सब दिख रहा है ये सारा सोने की चमक नहीं एग्जैक्टली सोना है, और ये सारा अलग अलग जगह से अलग अलग सामान है। तो ये जो पीछे है हमारा, तो उन्होंने कोहिनूर लिया नेपाल से, ये पूरा क्राउन लेके आए हैं, और ये नीचे है इसका नाम है ब्रेस्ट प्लेट, ये यहाँ पहनते हैं हार जैसे, और ये ऊपर पहनते हैं। तो वहाँ पे ना नेपाल में कुमारी का काफ़ी कल्चर है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पूजी जाते हैं, तो उनका एक टाइम पे ये था, वो इन्होंने ले लिया, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉन्ज के और गोल्ड के बहुत सारे मतलब सेक्शंस डेडिकेटेड है कि ये जो सेक्शन है ये पूरा नेपाल से है। तो ये साउथ इंडिया का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान है, मतलब ये जो सामने है ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, और एकदम रियल गोल्ड है, और ये ऑलमोस्ट 200 साल पुराने हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड इन्फ्यूज्ड है, ये सारा तिब्बत का है, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये सब नीचे पूरे मतलब बहुत सारा सामान है, बहुत बहुत सारा सामान है, मतलब अगर आप आओगे यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या है ये, कुछ भी मतलब सारा सामान है ना इतनी सारी कंट्रीज़ का, जो अलग अलग टाइम पे मतलब कोई 200 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना। सही में। तो मतलब और ये भी बोला जाता है ना कि ब्रिटिश म्यूजियम में इतना सारा सामान आ गया था एक बार कि उन्होंने फिर बाकी म्यूजियम्स खोले। हाँ, एक्चुअली मतलब पहले एक ही म्यूजियम था, बट इनका ये वाला सामान इतना सारा हो गया कि उनका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अलग, साइंस म्यूजियम अलग, और ब्रिटिश म्यूजियम अलग, से 3-4 म्यूजियम बना दिया। मोस्टली यहाँ पे वो सामान है जो ये बाहर से लेके आया, एक वो जोक देना कि पिरामिड इजिप्ट में क्या था वो, अरे जोक है कि इजिप्ट में पिरामिड इसलिए अभी भी है क्योंकि वो उठा के ब्रिटिश म्यूजियम लाना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो वो भी आज यहाँ मिल जाते हमें एक ही ट्रिप में सब। हनुमान जी की पूरी मूर्ति है, और यहाँ पे सब जगह लिखा भी है कि मतलब उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और मतलब वो पूरा जो उनका स्टोरी है कि वो रामा की जो वाइफ है उन्हें लेने आए थे और श्रीलंका गए थे, वो सब भी है। तो मतलब ये पूरी मूर्ति है, और हर एक जगह वहाँ पे नीचे पूरी उनकी स्टोरी भी लिखी हुई है, तो ये सब भी है यहाँ पे। ये विष्णु जी के 10 अवतार हैं, और वो है, और ये जो है यहाँ पे एक सिल्वर प्लेट है, और इसके अंदर पूरे रामायण के जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टोरीज थी वो सब है, बीच में आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी सही लग रहा है। और ये सारा यहाँ पे सिल्वर के सेट है, जो टी सेट है, और ये आई थिंक दिस इज गोल्ड का ही होगा, ये इसका नाम है द पैरी कप, वो भी है, और ये सारा पूरा द ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब जब वो थे वहाँ पे तब ये सारा सामान लिया था, थोड़ा सामान इन्होंने अपने आप ले लिया, थोड़ा धीरे धीरे आता गया।
अभी हम आ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हैं और ये सब ये लोग इंडिया और नेबर कंट्रीज से लेके आए हैं. और प्रशांत वांट टू एलैबोरेट यार, ये सब ये जो छोटी छोटी सील्स लिखी हुई है ना, ये सब हमने हिस्ट्री बुक्स में देखी थी. मुझे भी लग रहा है हिस्ट्री बुक्स में इंडस वैली के चैप्टर में दिखती थी और अभी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है. उड़ीसा का भी पूरा सेक्शन है और ये जो सामने शिव पार्वती का मूर्ति है और ये काफ़ी सही लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है. यहाँ पे लिखा हुआ है उड़ीसा से और ये पूरा स्पेशल उड़ीसा यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर. और ये जो सामने है ये पूरा जगन्नाथपुरी से लिया है और ये आइवरी का है और ये सब ऊपर गोल्ड का है ये सारा. और ये सूर्या स्कल्पचर है और उधर पार्वती स्कल्पचर है. तो ये सब है 57A अगर आप आओ तो. माय गॉड, मैं कभी जगन्नाथपुरी जाने का मेरा मन है बट आई गेस आधे दर्शन तो यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में हो गए मेरे. पार्वती का जो सामान है वो भी है पीछे और ऐसा लग रहा है पूरी पूरी बिल्डिंग उठा लिया. मतलब ऐसा एक आध नहीं, पूरा मुँह के अंदर चुप्पी आ गई. कितना सामान है और ये ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है और उसका स्पेशल गेट है. मतलब ये सब सामान एक जगह रखा हुआ है, ये वाला अलग रखा हुआ है. तो अभी अंदर चल के देखते हैं. फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ पे आके आपको लगेगा कि ये बहुत सारा है क्योंकि एक आध पत्थर नहीं, यहाँ बहुत सारा है. मतलब इसलिए इतना सामान लिया है. तो यहाँ पे इंडिया के करेंसी नोट्स भी रखे हुए हैं जिसमें दिखा रखा है अशोका स्तंभ यहाँ पे होता है और यहाँ पे कॉइन्स है और ये पोस्टल कोड्स भी है. तो ये सारा सामान इंडिया और पाकिस्तान का है. और ये जस्ट लुकिंग, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सामान है यार, खत्म ही नहीं हो रहा. कितना है ये, ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है. ये क्या है? एक किसी का किसी पेंट उसका स्कल्पचर का पार्ट है. हाँ. तो ये मैंने ऐसे सुना हुआ है कि काफ़ी जगह है ना, तुम ऐसे हिस्टोरिक जगहों पर जाओ तो वहाँ दुनिया भर में ऐसे एक एक, एक दो दो चीज़ें मिसिंग होती है और कभी तुम सोचो कि ये चीज़ कहाँ है, यहाँ है. वो ये कोई यहाँ होती है. ये रहा. जो सामने है वो किसी जैन तीर्थंकर की फोटो है और ये ऑलमोस्ट 1800 साल पुरानी है और मथुरा से ली गई है. यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो हर जगह लिखा हुआ है इन्होंने क्लियरली कहाँ से लिया है, कितना पुराना है. एकदम मतलब खुली खुला सामान इन्होंने पूरा रखा हुआ है. आगे भी ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं. तो यहाँ पे आके मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम कोई तीर्थ स्थान में आ चुके हैं क्योंकि इतने सारे भगवान जी और इतने सारे स्टेट्स का है. और आई गेस वी आर डन फॉर नाउ और अभी हम बाकी कंट्रीज़ में भी देखेंगे. ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ का बहुत सारा सामान है यहाँ पे. आई थिंक इजिप्ट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं. इजिप्ट का है, चाइना वाला काफ़ी अच्छा. चाइना में कोई जेड वाला सेक्शन है, यहाँ पे जेड का सामान रखा हुआ है. लेट्स गो देयर, एक बार चेक करके आते हैं क्या क्या है. ठीक है चलो. अभी हम चाइना वाले सेक्शन में हैं और अब हमें थोड़ा बेटर लग रहा है. अगर आप सिर्फ इंडिया वाला घूम के चले जाओगे तो फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड बड़ी दिक्कत हो गई. बट अगर आप सब जगह जाओगे तो फिर आपको थोड़ा बेटर लगेगा कि हम लोग शायद अकेले नहीं पिले थे. मतलब सामान तो इन्होंने सारी दुनिया से ही लूटा है ऑब्वियसली. तो ये वाले सेक्शन से ना अपना कनेक्ट ज़्यादा बेटर होता है. आई थिंक इमोशंस है, इमोशंस है. अपने थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी है. जैसे मेरे को इजिप्ट वाला थोड़ा बहुत पता था, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वो भी. वैसे चाइना वाले का मेरे को कोई आइडिया नहीं है चाइनीज हिस्ट्री का, तो मेरे को उतना ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं लगता. वो सामान दिखता है कि भाई हाँ अब गोल्ड है वो तो दिख रहा है. माई ब्लॉग कम्स टू एंड. आई एम होपफुल कि आपको मजे आए होंगे. आपको म्यूजियम में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपके क्या इमोशंस हैं, प्लीज़ कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लंडन में और किधर घूमना है तो वो कमेंट में बता देना. सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी, दैट विल मीन द वर्ल्ड टू मी. प्लीज़ टेक केयर. बाय बाय.